अब फिक्र बाढ़ की, विभीषिका की। मानसून की शुरुआत के साथ उत्तराखंड, यूपी और बिहार की नदियों में बाढ़ आ गई है। नदियों का पानी हाहाकार मचाता है, बस्तियों में दाखिल हो गया है। सैकड़ों गांव, खेत खलियान सब डूब गए हैं। उत्तराखंड से उतरते पानी के कारण यूपी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और नेपाल के छोड़े गए पानी से बिहार के कई जिलों में सैलाब सितम ढा रहा है। इस बीच ये खुलासा हुआ है कि नेपाल की बाढ़ के पीछे चीनी साजिश है। तो क्या ये चाइनीज साजिश भारत को परेशान करेगी? देखें इस रिपोर्ट में। नदी की गर्जना ऐसी कि शरीर कांप जाए, पानी का प्रहार ऐसा कि पहाड़ हिल जाए। हाहाकार मचाती नदियां, प्रलय बनकर बहता पानी और बाढ़ के सामने बेबस बस्तियां, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक जिले की हैं। देखिए, बस्तियों को चीरती फाड़ती नदी आगे बढ़ रही है। पानी के प्रचंड वेग से कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें कांप रही हैं। कुछ लोग जो मुसीबत की बाढ़ में फंस गए, उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अब इस तस्वीर को देखिए, लगातार बारिश से बाढ़ और फिर लैंडस्लाइड, मतलब इंसानी बस्तियों पर कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ। हाहाकार मचाता पानी बस्तियों को डुबोता बहाता चला गया। कुछ ही देर बाद यहाँ तबाही के निशान दिखने लगे। बताया जाता है कि नेपाल में आई विकराल बाढ़ में बड़े बड़े पुल बह गए, कई मकान धराशायी हो गए, करीब 1000 लोगों को घर बार तक छोड़ना पड़ा। बारिश और बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग लापता हो गए, जिनमें चीन और भारत के भी नागरिक हैं। लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि नेपाल में बाढ़ से मची तबाही का चीन से कनेक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तामाकोशी बांध का पानी छोड़ दिया, जिसके चलते नेपाल की नदियां बेकाबू हो गई और पूरे नेपाल में तबाही मचाने लगी। बताया जाता है कि चीन ने तामाकोशी बांध के 4 फाटकों को खोल दिया था, जिससे नेपाल की म्यागदी, नारायणी, त्रिशूली, गंडकी, बागमती, तिनाऊ, मेलमची सहित कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। यहाँ चीन की लापरवाही बड़ी है, क्योंकि उसने बिना चेतावनी दिए अपने बांध का पानी नेपाल में छोड़ दिया। चीन के ऐसा करने से एक बार फिर ये साबित हो गया कि वो चाहे खुद को किसी भी देश का कितना ही करीबी क्यों न बताए, क्यों न जताए, लेकिन उसे भी नुकसान पहुंचाने से बीजिंग बाज नहीं आता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।